शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए इस समय की सबसे बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। पटना शिक्षा विभाग से यह खबर निकल कर आ रही है, शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के लिए हर जिले में बनेगा कंट्रोल रूम। शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर, 11 अगस्त तक होने वाली काउंसलिंग में फोटो युक्त पहचान पत्र की जांच होगी अनिवार्य। बड़ी खबर, शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए हर जिले में काउंसलिंग के लिए बनेगा कंट्रोल रूम। नमस्कार, मेरा नाम सुनील कोवी है और आपके लिए हमेशा शिक्षक और शिक्षक अभ्यर्थियों से संबंधित खबर लेकर आते रहते हैं। चलिए आपको खबर बता देते हैं कि शिक्षा विभाग की एक बड़ी पहल सामने आई है। हर जिले में शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के लिए हर जिले में बनेगा कंट्रोल रूम। 13 अगस्त तक होने वाली काउंसलिंग में फोटो युक्त पहचान पत्र की जांच किया गया अनिवार्य। आपको बता दें, जो नोटिस जारी किया गया है उसके अनुसार राज्य में तकरीबन 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 2 से 13 अगस्त तक होने वाली दूसरे चरण की काउंसलिंग को लेकर प्रत्येक जिले में कंट्रोल रूम बनाने का फैसला लिया गया है। वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जिनकी बारी दूसरे चरण में होनी है, संख्या 94,000 और समय निर्धारित है 2 अगस्त से, यानी कल से 13 अगस्त तक। जिन अभ्यर्थियों की बहाली शिक्षक के रूप में होनी है उनके लिए बड़ी खबर है कि उनके लिए पहचान पत्र, वैसा पहचान पत्र जिसमें फोटो लगा हुआ हो, उसकी जांच की जाएगी और अलग से कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे। हर जगह पर नोडल अफसर होंगे जो काउंसलिंग पर नजर रखेंगे। हर जगह यानी हर जिले में नोडल पदाधिकारी रहेंगे जिस पर नजर रखा जाएगा। शिक्षा विभाग ने निर्देश भी जिलों को जारी कर दिया है। इसके अलावा विभाग में मेधा सूची अपलोड नहीं करने वाले नियोजन इकाइयों पर कार्रवाई करने को कहा गया है। इधर अब तक जो भी नियोजन इकाई मेधा सूची को अपलोड नहीं किए हैं वेबसाइट पर, उन पर कार्रवाई करने की बात शिक्षा विभाग के द्वारा कहा जा रहा है। शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना DPO साहब के लिए निर्देश दिया गया है कि काउंसलिंग को निगरानी के लिए राज्य स्तर पर, साथ ही हर जिले में जिला स्तर पर कंट्रोल रूम 2 अगस्त से पहले बनाना सुनिश्चित करें। हर नियोजन इकाई के लिए जितने पद के लिए काउंसलिंग होने हैं, उन पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन के बाद अभ्यर्थी न तो रोके जाएंगे और न ही उनके सर्टिफिकेट जमा दिए जाएंगे। जिन नियोजन इकाई को काउंसलिंग एवं मेगा सूची की रद्द हुई थी, उनकी तैयारी नहीं होने पर तीसरे चरण में काउंसलिंग कराई जाएगी। बात बता दे कि आपको यह भी हम बताते चले कि 2 अगस्त को नगर निकाय इकाइयों में सामाजिक विज्ञान विषय के कक्षा 6 एवं 8 तक के शिक्षक पद के लिए अभ्यर्थियों का काउंसलिंग जिला मुख्यालय में होगी, जबकि 4 अगस्त को गणित विज्ञान और भाषा विषय के कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षक पद के लिए काउंसलिंग जिला मुख्यालय में होंगे। 5 अगस्त को कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक हेतु अभ्यर्थियों का काउंसलिंग जिला मुख्यालय में होगी। 7 अगस्त को प्रखंड नियोजन इकाइयों में सामाजिक विषय के कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षक पद के लिए अभ्यर्थियों को काउंसलिंग जिला मुख्यालय में होगी। 9 अगस्त को गणित विज्ञान एवं भाषा विषय के शिक्षक पद के लिए अभ्यर्थियों की काउंसलिंग जिला मुख्यालय में किया जाएगा। 10 अगस्त को कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक पद की काउंसलिंग जिला मुख्यालय में होगी, जबकि 13 अगस्त को पंचायत नियोजन इकाई में कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक पद के लिए प्रखंड मुख्यालय में काउंसलिंग होगी। इसते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।